ले इस कबूतर को भाई पूरा दिन हो चुका है, सफ़ेद कबूतर है और भाई सुबह से भटक रहा है वो बिल्डिंग का वो बिल्डिंग कबूतर जंगली तरफ जाके बैठ रहा है और अभी इस बिल्डिंग में बैठा है। गाइस मैंने बहुत कोशिश करा हूँ, दिन भर से मैंने कबूतर छोड़ के रखा हूँ, घंटों में शाम हो जाएंगी रात हो जाएगी तो हो सकता है कि अपने पास ये अंधेरे में आ जाए। तो गाइस अभी हम शाम का टाइम में चढ़ चुके हैं हमारे छत के ऊपर एक बार और कबूतर को पकड़ने के लिए, तालियां बजाओ। बस एक कबूतर आया उड़ के, पता नहीं दो दो कबूतर तंडी कर रहा वो मेडियम का है। आंटी मार कबूतर खाता है। ले आ आ आ आ। तो ये देखिए ये हमारी जाल पे आके बैठ गया है, ये पूरा दिन से भटक रहा है और भाई हमारे कबूतर के जाल पे आके बैठ चुका है। देखिए सामने बैठा और हमारे कबूतर भाई छत पे बैठे हैं और शाम भी हो रही है गाइस। अब हम इसको उतारने की कोशिश करते हैं और इसको गाइस पकड़ते हैं कि ये है आखिरकार कौन से कबूतर जो पूरे दिन से उड़ रहा है, पूरे दिन से भटक रहा है और शाम का टाइम है, भूखा प्यासा तो होगा और 100% कबूतर गाइस हाथ में आ जाएगा। बाकी कबूतर माशाल्लाह बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक, इतना चालाक है गाइस वो कि वो आसपास भटक नहीं रहा हो दिन भर से, और शाम का टाइम है अंधेरा जैसे जैसे हो रहा है वैसे कबूतर ये अपने करीब आते जा रहा है। ये देखते हैं कबूतर ही कितनी देर में नीचे उतरता है, कितनी देर में हमारा हाथ में आता है। चला हा 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 हा, इसको एक दाना डाल रहा हूँ, देखिए आप ले हा 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 हा। ओ सानेज, ए सानेज क्या कर रहा है? ओ सानेज सानेज आ जाओ ऊपर बेटा, आ गया कबूतर। हाँ धीरे से आना, ले आ आ आ आ आ आ आ आ। तो वही हमारा सानेज भी आ चुका है और शाम का टाइम हो गया है। क्या खा रहा? बिस्किट खाते खाते आ रहा है। देख सानेज आ गया, बेटा कोने पे देख, ये ले जरा मोबाइल पकड़ ले, यहाँ बैठ के जरा रुक जा, मैं जरा रोक दूँ उसको। यार कर दिया, उधर बैठा करो, उधर उधर बैठा करो, उधर ना पड़ेगा धीरे से सानिज, इधर खड़ा ले जा रही है, पाँच पिंजरे पाँच जा, हाँ बस ये मैं सारी है बैठा।
कबूतर है बहुत परेशान कर रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये हाथ के पास ही भटक भी नहीं रहा जरा सा भी। तो इस कबूतर को गाइस मैं दूसरी टेक्निक से पकड़ूंगा। मेरी दोस्तों दूसरी टेक्निक ऐसी है कि उससे मेरा एक भी कभी छत पर नया कबूतर आ जाए और कभी मैंने अपना इक्का आजमा लिया, तो टेक्निक ऐसी है इक्का है, कभी मैंने वो आजमा लिया ना 100% कबूतर पकड़ी में आ जाता है। मान दोस्तों क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, करना कुछ नहीं बस मैं गेट खोलना दरवाजा खोलना पूरे कबूतर अंदर और इंशाल्लाह कबूतर बहुत जल्दी पकड़ी में आ जाएगा। उसका मतलब अंदर से पकड़ेंगे। तो गाइस मगरिब का टाइम हो चुका है, अजान हो रही है और देखते गाइस कि ये कबूतर जाल में आता है कि नहीं। तो गाइस हमने इस कबूतर पे ज़्यादा मेहनत नहीं करे, हमने सिर्फ हमारे कबूतर छत पे छोड़ दिए थे। तो ये कबूतर गाइस देखो कबूतर बीच में हालांकि सामने आ गया है, अभी भी वो टीन पे बैठा हुआ है, बाकी सब कबूतर अंदर चले गए। देखिए आप ये बैठा हुआ है और हमारे भाई पूरे कबूतर अंदर चले गए, बस ये थोड़ा सा डर रहा है अंदर जाने में। अब दिखती बात है नया कबूतर है तो अंदर जाने में डरेगा वो। खैर देखते हैं कि ये अंदर जाल में जाता है कि नहीं, क्योंकि भाई से नया कबूतर है इतनी जल्दी क्या है मानता नहीं है, सोच रहा अंदर जाने में कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और ये देखो भाई चले गए अंदर, हमने धीरे से गेट ये बंद कर दिए, चलो बेटा हो चुका ये गेट बंद। तो ये जाल में चले गया गाइस अंदर का इक्का, इक्का टेक्निक है ये, इससे 100% कबूतर पकड़े में आ जाता है। अब हम उसको अंदर जाके पकड़ के भाई आपको शो कराते हैं कि वो है कौन सा इतना चालाक कबूतर जो दिन भर उड़ा और शाम में पकड़ा गया गाइस। तो ये देखिए ये जो कबूतर आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये कबूतर है, पकड़ा गया गाइस ये कबूतर। और मैं आपको शो कराता हूँ करीब से कि ये कौन सा कबूतर है, देखिए आप ये। और गाइस ये है पट्टा, देखिए आप, ये ज़्यादा एजेड बड़ा कबूतर नहीं है, ये पट्टे में कबूतर है देखिए आप। और ये मद्रासी कबूतर है भाई, देख लो आप इसकी इसकी चोंच देखिए, वो कलाक कबूतर है भाई, ये पूरा परंत कबूतर है, वो पट्टे में है ये। देखिए भाई शो करिए आप, ये कबूतर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस कबूतर को हम सुबह उड़ा देंगे, इसको वापस से हम भगा देंगे गाइस, हमने रखेंगे।